हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर नेचुरल है, इससे घबराना नहीं है। इसका समाधान ढूंढने के लिए तरह तरह के वीडियोस नहीं देखने हैं। कभी फोन पर सर्च करते रहो कि कहाँ मिलेगा, कैसे मेरी टेंशन दूर होगी। एग्जाम कोई भी देता है, छोटा हो बड़ा हो, सभी के मन में टेंशन होती है। एग्जाम से कभी नहीं घबराना। अपनी तैयारी पे, अपने सिस्टम पे, क्या क्या आपने किया है, जितनी मेहनत की है उतने ही मार्क्स आपके आएंगे। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों से वो ज्यादा प्रेशर ना डालें एग्जाम में। अच्छा खाने का दें, अच्छे एटमोसफियर उनको दें, ताकि किसी भी प्रकार की उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और टीचर साथियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों की काउंसलिंग करें। जब भी बच्चों आप घबराते हो, आपको कोई टेंशन होती है, तो ये वीडियो एग्जाम तक देखते रहना। जब भी टेंशन होती है, रिलैक्स हो जाओ, घूमने चले जाओ, दोस्तों से बात करने चले जाओ, ठीक है। कोई छोटा मोटा जो ना, कोई सॉन्ग सुन लिया, कोई कहानी सुन ली, कोई खेल किया ना, स्पोर्ट्स, खेतों में चले जाओ, हरियाली में चले जाओ, थोड़ा हा अपना ध्यान एग्जाम से हटाओ। बीच बीच में लगातार पढ़ने से आपके दिमाग में चीजें जाना बंद कर देती हैं, और जब चीजें दिमाग में नहीं जाती हैं तो छोड़ दो पढ़ाई को, वहीं रख दो किताबों को। 10वीं क्लास के बच्चे 90% ले लेंगे तो भी 11वीं क्लास में जाना है, 70% नंबर ले लेंगे तो भी 11वीं क्लास में जाना है। हाँ, 12वीं क्लास के बच्चों को थोड़ी टेंशन होती है, उनको परसेंटेज की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी चिंता करने से कभी परसेंटेज नहीं आएगी। आपकी वेल प्लानिंग होनी चाहिए, आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, पेपर में कैसे ध्यान से लिखते हैं वो जरूरी है, और चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। जैसे जैसे पेपर नजदीक आते जाएंगे, तारीख नजदीक आती जाएगी, मान लो 4 दिन की छुट्टी है आपके किसी पेपर में, जस्ट अपना रूटीन में रिवीजन करें, हल्का फुल्का रिवीजन करें। सारी साल आप पढ़े हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन यू, अपने पे विश्वास रखिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर, सो डोंट लूज हार्ट। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो ना परीक्षा में, मेन बात जो है ना, परीक्षा से बिल्कुल ना डरें। परीक्षा डर लाने के लिए ही होती है, आपको डरना नहीं है। लेकिन मैं बताऊं बच्चों, डर तो फिर भी लगेगा, कोई बात नहीं, उसी से आप सीखते हैं। परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप आज परीक्षा दे लें, कल आप कामयाब हो जाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, कहाँ जाएंगे। परीक्षा होती है आपको सिखाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्किल्स सिखाने के लिए, आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि नंबर कम आ गए और आप घबरा गए, बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं जिनके शुरू में बहुत कमजोर होते हैं पढ़ाई में, और उनकी अलग अलग हॉबीज होती हैं, वो पता नहीं कहाँ कामयाब हो जाते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। और वही बच्चा कामयाब होता है जो सारे कार्य करता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है, जो ना दोस्तों के साथ बातें भी करता है, घूमने फिरने भी जाता है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है, वही बच्चा ओवरऑल कामयाब होता है। तो इसलिए आप कभी भी चिंता ना करें, और जब भी चिंता हो तो प्रिंसिपल सर के इस जो ना वीडियो को जरूर देख लें कि सर ने बताया था, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और घबराना एक नेचुरल प्रक्रिया है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस। स्ट्रेस फ्री सक्सेस, कभी भी स्ट्रेस फ्री सक्सेस नहीं होती। सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और प्लानिंग आप 1 फरवरी से आपने बनाई ली है। हमने टाइम टेबल भी बना दिया आपके लिए इंग्लिश में, हमने आपका पूरा समाधान कर दिया है और करने जा रहे हैं। बाकी विषय में आप अध्यापकों से बात करें, ज्यादा चिंतित ना हो, ज्यादा इधर उधर की वीडियो ना दिखें, और योगा करें, मेडिटेशन करें, प्लान बनाएं। एग्जाम के नजदीक रेस्ट बहुत जरूरी है,
रात को सोना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंशन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, पेट में टेंशन होने लग जाती है। तो आप चिंता ना करें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें, ज्यादा दबाव में ना आए, छोटे छोटे नोट्स बना लें, छोटे छोटे ब्रेक ले लें, बोर हो गए तो चाय पी लें, कॉफी पी लें, दूध पी लें, जूस पी लें और लस्सी पी लें, घूमने चले जाएं, खेलने चले जाएं, रिवीजन का टाइम अपना फिक्स कर लें, रात को प्रॉपर सोएं, पॉजिटिव रहें हमेशा ही, नेगेटिव ना रहें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, एग्जाम स्ट्रेस लाने का एक वे होता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, आप यूं मान लें, मत मान लेना कि फलाना फलाना बच्चा है, उसको बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं, उसको कोई भी चिंता नहीं। बेटा, चिंता सभी की होती है, चाहे कमजोर बच्चा हो, चाहे होशियार बच्चा हो, चाहे मीडियम बच्चा हो, चिंता तो होगी, लेकिन चिंता को भगाना है, टाइम पर पहुंचना है, समय पर एग्जाम में पहुंचना है, प्रॉपर पानी पिए, प्रॉपर लिक्विड लें और प्रॉपर नींद लें। ये लड़कियां मेरी खासकर ध्यान दें, मेरी बेटियां ध्यान दें, वो बहुत सारी सारी रात पढ़ती हैं, खाना नहीं खाती हैं, पढ़ती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, रटती रहती हैं, रटती रहती हैं। रटना नहीं है, समझना है, चीजों को तरीके को देखना है। पेपर के अंदर 3 घंटे हैं, वो महत्वपूर्ण है, वहां सारी साल मेहनत करने वाला बच्चा अगर वहां गलती करता है तो पिछड़ जाता है। कम मेहनत करने वाला बच्चा वहां अपनी स्ट्रेटजी को लागू करता है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कैसे फॉर्मेट को फॉलो करना है, कैसे कटिंग नहीं करनी है, ये सभी बातें कैसे साफ साफ लिखना है, वो बच्चा ज्यादा नंबर लेगा। और आपके नंबर आपकी मेहनत के हैं, ना आपके पेरेंट्स की मेहनत के हैं। आप अपनी मेहनत कीजिए, पेरेंट्स का काम, टीचर्स का काम गाइड करना है, हमारा काम आपको दिशा निर्देश देना है। वी आर हियर जस्ट टू गाइड यू। कोई भी आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी और विषय का भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपने टीचर साथियों से रिक्वेस्ट करके कोशिश करूंगा कि आपको उसका समाधान करा दिया जाए। प्रिंसिपल सर का जो है, ये वीडियो आप देखते रहना एग्जाम तक, आपको पूरा उत्साह मिले, मौज करो, मस्ती करो, टेंशन मत लो, एग्जाम सारी उम्र एग्जाम देते रह जाओगे। हर परीक्षा ही परीक्षा है, हर जगह परीक्षा है, परीक्षा से क्या घबराना, कार्य समय पर करना, टाइम पर करना, ठीक करना, करेक्ट करना, दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारे ड्यूटीज हैं। अगर ये ड्यूटीज हमने समय पर की है, अब एक बच्चा सारी साल पढ़ता नहीं और सोचता मैं 90% मार्क्स ले लूंगा, नहीं आएंगे, अच्छी मेहनत करने वाले बच्चों के ही नंबर आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन से फ्री हो जाओ, मौज करो, मस्त रहो, खूब सो, खूब खाओ, खूब खेलो, परीक्षा तो चलती रहती है। बाय बाय, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, घबराना नहीं, बाय।